अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से हों और उम्मत मुस्लिमा की तमाम परेशानियों को परवरदिगार आलम हल कर दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। चले जी अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे बहुत गु़स्सा आ रहा है क्योंकि 12 दिन से हमारे एरिए में पानी नहीं है और पूरे एरिए में। अब मैं क्या बताऊँ आपको, कितना प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है। हमें पहले उन्होंने उलझाया हुआ था गैस में, बिजली में, रमज़ान आने से पहले उन्होंने पानी में भी उलझा दिया है। पता नहीं क्या बनेगा। हमारी तो खैर है कि बच्चे बड़े हैं, लेकिन जिन घरों में बच्चे छोटे हैं तो उनका क्या हो सकता है, कुछ नहीं पता। क्योंकि हमारे सामने बच्चा छोटा है और केन मंगवा मंगवा के गुजारा हो रहा है। और आज से हमारा भी मिनरल वाटर से, आप ये देखें ज़रा, हमें इतना बुरा हाल हम लोग का कर दिया है। मतलब अब हद हो गई है। मतलब गैस बिजली में तो मसला था ही था, पानी में भी हमारे साथ मसला होगा। टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, हर चीज़ बढ़ रही है, लेकिन बस काम नहीं हो रहा। इलेक्शन भी हो गए फिर भी काम नहीं हो रहा, पानी का मसला। और आप कुछ कहना चाहेंगे? अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। पानी बहुत जो है ना प्रॉब्लम हो रही है पानी की गुलिस्तान जौहर में, और 12 दिन हो गए आज। इन्होंने बहुत तंग कर रखा है वाटर बोर्ड वालों ने, गुलिस्तान जौहर के जो वाटर बोर्ड वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मुख्तलिफ किस्म के बहाने करते हैं। अभी इन्होंने तीन ढाई महीने पहले भी प्रॉब्लम खड़ी क्रिएट की थी, उस पर भी हमने एक वीडियो बना के भेजी थी, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। अब ये फिर इन्होंने 12 दिन हो गए तंग कर रखा है और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और बहुत बहुत लोग परेशान हैं। क्योंकि पानी तो एक ऐसी चीज़ है कि बहुत ज़रूरी है, खाने पीने में, पीने के लिए, खाना बनाने में, तैयार करने में, वॉशरूम जाने में, नहाने में, बहुत उसकी जो है ज़रूरत रहती है, छोटे बच्चों के लिए ख़ासतौर पर। मगर इंसान नहीं है ये लोग, यकीन करें, बिल्कुल नहीं सोचते कि लोग किस तरह से गुजारा करेंगे, क्या करेंगे। इनको इनके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, इनके पास चीज़ें नहीं हैं ऐसी कि जिससे जो है ये काम कर सकें अपने। लाइनें जो ये 12 दिन टाइम ले रहे हैं, वो ऐसे काम है, यकीन करें, कि अगर इनके पास मशीनरी हो, सारे चीज़ें इनके पास दस्तियाब हो, तो 12 घंटे का काम नहीं है। मगर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। बारह ये चीज़ चलती रहेंगी। ये पाकिस्तान है, कराची है, बारह होगी, हो गई ये बातें सारी। अब ये है कि हमें लग रही गर्मी, हमें टाइम हो गया नहाए हुए कम अज़ कम, 12 दिन से पानी नहीं आ रहा, और मुझे नहाए हुए कम अज़ कम 7 डेज या 8 डेज हो गए हैं, तो मुझे याद पड़ता है सुबह उठ के मुँह धो के थोड़ा पानी वानी मार के निकल, पोछा मार के अभी भी मैंने पोछा मारा है केन में से पानी लेके, और मिनरल वाटर से धो रहे हैं, मिनरल वाटर से नहा रहे हैं, तो ये हाथ धो रहे हैं। तो अब ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो अब हम जा रहे हैं, एक किसी के घर में नहा रहे हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम लोग कौन से रोड पर हैं? शारे फैसल पे बस। और ये क्या कर रहे हैं आप? अगर चले जी, अभी हमने क्या हरकत की है? एक बाइक जा रही थी, उनकी खवातीन का ट्राउजर जो है ना, वो चेन के बहुत करीब था, चेन कवर भी नहीं था, चेन कवर के बहुत करीब था, और कवर भी नहीं था, चेन समझ लें जरा सा टच होना था और वो लिपट जाना। हाँ, उनके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। हाँ, अब मैंने इनसे कहा कि उसको कह दें यार, बुरी बात है, एक नेकी का काम है, उसको बोलो कि वो पजामा को अपना ट्राउजर सही कर लें। इन्होंने शीशा खोला और आवाज़ बाहर निकाल के बोल दिया, अपना पजामा ऊपर कर ले पजामा। बोला वो पजामा पहनी नहीं, ट्राउजर पहनी पजामा। तो आपने मुझे बोला था आपने ट्राउजर का नाम नहीं लिया था, और मेरा जहन भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इसलिए मुझे पजामा पहनती है। देखिए, बच्ची को देखकर और वो चेन कवर को देखकर ना मुझे कुछ याद आने लगा, और मैंने जो है वो ट्राउजर की जगह पजामा बोल दिया। तो पजामा और ट्राउजर एक ही चीज़ होती है, उर्दू में पजामा बोलते हैं और इंग्लिश में ट्राउजर बोलते हैं। पजामा। और आप क्या बोल रहे हैं, उनके जो हस्बैंड थे वो अपना पजामा देख रहे थे। हाँ, वो अपना पजामा देख रहे हैं, वो समझ रहे पजामा तो मैं पहन दूँ रात को, सलवार पहन के आया हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं था, झूठ नहीं बोला, कहीं समझ में आया। फौरन जो है ना कहीं भंड कर देती हूँ। हाँ, तो मैं भंड तो करती हूँ, आपको पता नहीं मैं कौन हूँ, जानते नहीं आप क्या, मुझे पता तो है आपको मैं कौन हूँ। फिर इधर देखे जरा, मैं हूँ फरा, मेरा काम है भंड करना। हाँ, तो भाई ऐसे ही होता है जी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। और पानी क्यों नहीं
आपकी बिल्डिंग में पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, बार बार यही हो रहा है। जरा सा एहसास दिए वाटर बोर्ड वालों को कि इंसान ये सोचे, वाटर बोर्ड वालों को इतना सा एहसास होना चाहिए, ये सोचे वो इस बात को कि रमज़ान की करीब, रमज़ान करीब है, आमद आमद है, 11 तारीख को पहला रोज़ा है, अब 11 में आज 8 है, 9 10 दो दिन बाद रोज़े हैं। पानी के मामला में हमें उलझा दिया, इससे पहले सो रहे थे, ये मौसम सारे पहले से करके रखते, अब ये हम तैयारियां करें अपनी रमज़ान की, उन मामला को देखें, महंगाई अलग है, लोग कितने परेशान हैं, ठीक है ना, कितनी मुश्किल से लोग सर्वाइव कर रहे हैं, उनको मज़ीद लाइट के मामला में, गैस के मामला में, फिर ये वाटर बोर्ड वाले भी खड़े हो जाते हैं, और ये खड़े होते हैं तो 12-12 दिन 8-8 दिन के लिए खड़े होते हैं। वैसे पानी एक दिन छोड़ के देते हैं, चलो एक दिन छोड़ के चल रहा है, ठीक है, मगर इतना लंबा लंबा तो नहीं करना चाहिए ना, 12 दिन मुसलसल, अब कल 12वां दिन हो जाएगा इन लोगों को, 12वां 13वां, क्योंकि इनको एहसास नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी जात से तकलीफ दे रहे हैं बस किसी को। खैर कोई बात नहीं, मर के तो जाओगे ना, परवरदिगार के पास, अल्लाह के पास जाओगे ना, एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा, सही बात, चाहे वो कोई हो, के इलेक्ट्रिक वाले हों, स्विग गैस वाले हों, चाहे वो वाटर बोर्ड वाले, सही कह रहे हैं, सबसे हिसाब लिया जाएगा, और ये हिसाब बहुत खतरनाक है, क्योंकि लोग तुमने इंसानियत को जो है ना, तुमने दुख पहुँचाया है, तुमने उन लोगों को तकलीफें पहुँचाई हैं इंसानियत को, उनसे पूछा जाएगा, देखना कोई बात नहीं, सर्वाइव कर लो, बहुत खुश हो जाओ, लोगों को तंग करके खुश हो जाओ, आराम खा के खुश हो जाओ, अगर ये याद रखो कि एक वक्त आएगा कि तुमसे पूछा जाएगा, और बुरे बहुत बुरी तरह पूछा जाएगा, सही बात है, और उसको बचाने वाला भी कोई नहीं होगा, नहीं होगा, सही बात, तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, इंसानियत की खिदमत करो, तकलीफें नहीं पहुँचाओ, अपने घरों में आराम नहीं करो, लोग परेशान हैं और आप अपने तकलीफें नहीं पहुँचाओ, लोगों को तकलीफें पहुँचा के अपने घरों में आराम नहीं करो, तुम लोगों को तकलीफें पहुँचा के अपने घरों में आराम से बैठे हो, कैसे बैठ जाते हो यार, किस तरह से तुम्हारा जमीन कवर कर लेता है, चेयर पे है सोफे पे चेयर, हाँ कैसे बैठ जाते हो, गलत बात है, लोगों को तकलीफें नहीं पहुँचाओ, उनको आराम पहुँचाओ, सही कह रहे हैं आप, और गर्मियाँ भी शुरू हो रही हैं, परवरदिगार भी तुम पे रहम नाज़िल करे, सही बात है बेशक, मगर तुम लोग बाज नहीं आओगे, मैं जानता हूँ, हाँ जो हुक्मरान हो गए ना, अच्छे अहदे पर चले चढ़ गए, फिर उसके बाद जो है ना वो फिर इंसानियत भूल जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, मेरे सामने घर में बच्चा है छोटा मासूम, और वो बीमार था इतने दिनों से, फिर उसके बाद जब वो सही हुआ तो बाल वगैरह उसके कटवाए उनकी दादी ने, और आज वो बालों समेत ही नहाया भी नहीं बेचारा, वो फिर रहा था, उसे बाल चुभ रहे थे, और मैंने पूछा क्या हुआ जावेद, तो कहने का पानी नहीं है, छोटा बच्चा मासूम, और फिर उसको शायद उन्होंने कैन वगैरह से नहलाया मिनरल वाटर से। आप देखें कितनी प्रॉब्लम, कितनी परेशानी है, 2 साल का छोटा बच्चा मासूम ही है इधर, वो क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, ये इस तरह से बहुत मासूम छोटे बच्चे, दूसरी तरफ भी हों बेचारे बच्चे रातों में रो रहे होते हैं, लाइट नहीं होती, लाइट के शेड्यूल इतना ख़राब कर दिया, इतना ख़राब कर दिया कि कुछ नहीं पूछूं, बस ये है पाकिस्तान कराची। चले जी अब हम पहुंच गए हैं, वेलकम बैक व्यूअर्स, आप लोग देखें हम नहा के आ रहे हैं किसी के घर से, उजले हो गए, हम जब जा रहे थे हम कैसे थे, बिखरे थे अब हम सिमट गए हैं, और हमें बहुत सुकून हुआ है, मैं नहाया हूँ 8 दिन बाद, और ये भी ऐसे ही मैं से 8-10 दिन बाद, पानी नहीं आ रहा, पानी खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, और जो इन इंसानों ने ना हमसे दूर की हुई है, खुदा ने नहीं की हुई, लेकिन इंसानों ने हमसे दूर की हुई है, गलत प्लानिंग हो से, हाँ नहीं करना चाहिए यार, ऐसे नहीं करना चाहिए, अल्लाह इनको हिदायत दे, बस क्या कर सकते हैं। वाटर बोर्ड के MD अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो वो इस बात को बहुत सीरियस लें, लोगों को परेशानी ना होने, सही बात सर, प्लीज़ नज़र करें लोगों की परेशानियों पे पानी के हवाले से। रमज़ान से सिर्फ 3 दिन पहले हमारा ये हाल हुआ है, वैसे तो गैस और बिजली ने हमें तंग किया हुआ था, अब हमें पानी ने भी तंग कर दिया, ये मसले बहुत बुरे हैं भाई।
थी ताज़ी? नहीं कुछ नहीं, बहुत सुगम ऐसे लगे थे, ऐसा लग रहा है 10 किलो वजन मेरा कम हुआ, 10 किलो इनका हुआ। मेरा तो ज़्यादा ही समझ गए। और हाँ, एक और बात, मैंने चाय भी बहुत मजे की पिलाई। चाय उन्होंने रात को 3 बजे जी, इस वक्त 3 बज रहे हैं। अब किसी के घर से पौने 3 बजे हम लोग नहा के निकले, अपने घर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है यार, रमजानों की टेंशन, मुझे बहुत सारी चीजें बनानी है जिसकी वजह से मैं पानी की वजह से बैठी हुई हूँ यार। मैं इतने मसले में, इतनी प्रॉब्लम में हूँ कि मैं बता नहीं सकती, किचन पानी और चीज़ें सब एक साथ मिक्स हो रही हैं। चलिए जी व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस और हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके कमेंट्स का रहता है इंतजार। अल्लाह हाफिज़, कल मिलूंगी एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बाय बाय। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अभी ज़्यादा चाहेंगे आपसे, फिर मिलेंगे मैडम के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई ख्वाहिशात के साथ, नई टेंशन के साथ, नई तमन्नाओं के साथ, नई दुआओं के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, बाय।